सबसे पहले तो ये इंपोर्टेड कार्बन फाइबर स्टेयरिंग है जो जापान से इंपोर्ट कराया है। एलईडी शिफ्ट लाइट्स के साथ है। जब गियर शिफ्ट होते हैं तो लाइट चेंज करती है। अभी आप जैसे रेस दोगे तो देखो इसकी लाइट पूरी जाएगी। आप इसकी रेस देके दिखाओ, पूरी दो, ये देखो इसका आरपीएम भी इसके अंदर चल रहा है। अच्छे बंदे ऐसे बोल रहे होंगे कि ऐसी बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो ये देखो भाई, जो चीजें बता रहे हैं वो लगी हुई है और इस चीज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता क्या होती है। सनरूफ भी देख सकते हो, बहुत सारा काम है जो डिटेल में अभी पता नहीं चलेगा, बाकी भैया के ब्लॉग में देख लेना। तो ये हम आ चुके हैं बत्रा मोटर्स के बाहर, तो आपको दिखाए थे बत्रा मोटर्स का बोर्ड, आपको दिख रहा होगा वो सामने देख लो, वो बत्रा कस्टम्स है, दोनों आमने सामने है। ये सारा जितना भी आप देख रहे हो सारा गाड़ियों का स्टॉक है। ये गाड़ियां यहाँ पे सेल परचेज के लिए आई हुई है। अंशु बत्रा भाई हमारे साथ खड़े हैं। तो अब ये हम चल रहे हैं, कहाँ पे खड़ी है वो गाड़ी? बत्रा कस्टम्स पे गाड़ियाँ खड़ी है जो हमने अभी कस्टमाइज कर रखी है, जो मॉडिफाई कर रखी है। तो आओ चलो भैया वहीं चल के देखते हैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं पहले स्विफ्ट से। स्विफ्ट में भाई ने, मेरे को सुनने में आया, 10-12 लाख रुपए का खर्चा किया है। तो वो क्या खर्चा है अंशु भाई से खुद ही पूछते हैं। भाई सबसे पहले तो ये 8 लाख रुपए की गाड़ी आती है, सबको बताया 8-8.5 लाख रुपए की गाड़ी मिल जाती है। इसके पहले तो इसमें बम्पर लगे हुए हैं जो ऑस्ट्रेलियन बम्पर है, स्पोर्ट्स फिट के नाम से जाने जाते हैं, जो सिर्फ कॉस्ट करते हैं 40,000 फ्रंट एंड रियर। इसकी हेडलाइट्स हैं जो ये भी आफ्टर मार्केट है, जिसकी कॉस्टिंग है 30,000 रुपीज। साथ में किसी का अभी पूरी दिल्ली में जब पूरी सूट में किसी की सनरूफ नहीं थी, सबसे पहले हमारी गाड़ी में सनरूफ लगी थी। और इस गाड़ी के अंदर जो म्यूजिक सेटअप है वो कॉस्ट करता है 8 लाख रुपए का। और ये गाड़ी ट्यून है, फास्टेस्ट स्विफ्ट है, दिल्ली की सबसे फास्टेस्ट स्विफ्ट है, श्रेष्ठ ट्यून है। तो आप देख रहे हो ना कि मतलब अगर इसकी कम अगर स्पीड से रेस लगाए ना, तो मतलब ये तो स्विफ्ट है, मतलब लग्जरी गाड़ी की भी स्पीड मतलब यही होगी कि 0 to 100 जाना 4 सेकंड के अंदर। तो ये स्विफ्ट भी जाती है। और इसके अंदर अभी थोड़ी देर पहले ना हमने म्यूजिक सुना था, और म्यूजिक इतना तेज मतलब कि मतलब मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ पे मतलब ऐसा सामान लगा हुआ जो आपको बताइए कि मार्केट में मिलता है। जैसे DSP हो गया, DSP आपको पता है 2010 में आना बंद हो गया था, वो तो ओल्ड स्कूल है। तो उसकी कॉस्ट भी आपको पता है कि नॉर्मल DSP में 50-60 हज़ार कॉस्ट करता ही करता है। तो वो लगा हुआ आफ्टर मार्केट अलॉय लगे हुए 20 इंचेस इसमें। ये भी किसी गाड़ी में नहीं, दिल्ली के अंदर 20 इंचेस सबसे पहले हमने लगाए थे। साथ में इसके मिरर्स भी चेंज है। तो ये सारी कॉस्मेटिक मोड जो है आपको बताइए भैया की शॉप पे भी मिली जाएंगी आपको देखने को। तो भैया को कॉन्टैक्ट करो ऐसी चीज़ें करानी है तो आपको। बाकी इसके अंदर चलते हैं, गाड़ी में दिखाता हूँ। तो भाई अंदर से अभी गाड़ी का काम चल रहा है, सब कुछ खुला हुआ है, ठीक है। तो स्टेयरिंग वेयरिंग ये सब कुछ जो चीज़ें हैं भैया के पास देखने को मिल जाएगी। साथ में अंदर स्टार लाइट्स हो रखी हैं, वाइट कलर के सीट कवर लगे हुए हैं, और म्यूजिक सेटअप आप सुन लो। ये अभी काम चल रहा है, स्टार लाइट है, सारा चल रहा है काम, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है इसका। अच्छे बंदे ऐसे बोल रहे होंगे कि ऐसी बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो ये देखना भाई, जो चीज़ें बता रहे हैं वो लगी हुई है और इस चीज़ के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता क्या होती है। सनरूफ भी देख सकते हो, बहुत सारा काम है जो डिटेल में अभी पता नहीं चलेगा, बाकी भैया के ब्लॉग में देख लेना। इस गाड़ी का ओरिजिनल कलर ब्लैक नहीं है, रेड है, आपको दिखाया था। इसमें स्पॉइलर भी लगे हैं और ऐसे नहीं है आगे आगे काम हुआ है, इसके पीछे की बैकलाइट भी चेंज है। और ये स्पॉइलर तो आपको दिखाई दी है, पीछे बम्पर किट भाई ने पहले ही बता दिया था। और ये आपको दिखाए थे डेप बोन्स के, पूरा गाड़ी में जो सेटअप है डेप बोन्स, सारा डेप बोन्स का ही है, ठीक है। तो अभी तो ये एक गाड़ी दिखाई है, पूरी जानकारी अभी आपके लिए बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। तो वीडियो के एंड तक जरूर बनना, क्योंकि अभी नेक्स्ट कार पे जा रहे हैं हम। चलो तो अभी मैंने आपको स्विफ्ट दिखाई, अब बारी है BM की। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ BM भाई ने कैसे तैयार किया, भाई से पूछते हैं। तो भाई आपने इसमें क्या क्या लगाया? भैया सबसे पहले तो 2016 का वेरियंट है, पेट्रोल का वेरियंट है, 523i F10 जिसको जाना जाता है। और ये कन्वर्ट करिए F90 में, फ्रंट रियर मतलब पूरी गाड़ी का एक्सटीरियर इंटीरियर सब कुछ चेंज है। आफ्टर मार्केट बैकलाइट से भी इसमें F90 वाली, इसका बम्पर चेंज है, इसकी डिग्गी चेंज है, इसकी लाइट चेंज है, स्पॉइलर लगा हुआ है M5 का। फ्रंट में बात करें तो फ्रंट में पूरी किट M5 की लगी हुई है इसमें। ये 2024 वाली शेप में कन्वर्ट हो रखी है पूरी गाड़ी। और साथ में पूरा गाड़ी पे येलो कलर का रैप करा हुआ है, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि ये रैप हुआ है। और साथ में इसके फेंडर्स भी M5 के डाले हुए हैं। और भैया जो सबसे यूनिक चीज है इस गाड़ी के अंदर, 2.5 लाख का तो उसके अंदर स्टेयरिंग लगा हुआ है, और 1.5 लाख का इसके अंदर मीटर लगा हुआ है। साथ में इसका इंटीरियर भी पूरा चेंज है। तो आप गाड़ी के अंदर बैठो और ऑडियंस को गाड़ी स्टार्ट करके दिखाओ, स्टीयरिंग दिखाओ, ये करो। चुके हैं BMW के अंदर, तो इसके अंदर की अब चीजें बताते हैं कि क्या क्या हमने इसमें मॉडिफाई किया है, क्या क्या इसमें। सबसे पहले तो ये इंपोर्टेड कार्बन फाइबर स्टेयरिंग है जो जापान से इंपोर्ट कराया है। एलईडी शिफ्ट लाइट्स के साथ है। जब गियर शिफ्ट होते हैं तो लाइट चेंज करती है। अभी आप जैसे रेस दोगे तो देखो इसकी लाइट पूरी जाएगी। आप इसकी रेस देके दिखाओ, पूरी दो, ये देखो इसका RPM भी इसके अंदर चल रहा है। और साथ में इसके अंदर स्क्रीन चेंज करी हुई है। अभी जो इसकी AC यूनिट है वो भी टचस्क्रीन आने वाली है। साथ में इसका गियर नॉब वाला कंसोल भी पूरा मंगा रखा है। साथ में जो इसका मीटर है ना वो बहुत अमेजिंग है, आप दिखा सकते हैं। इसके अंदर 5 मोड्स हैं,
जैसे कि हमें डिस्प्ले चेंज करनी हो तो इसके अंदर देखो सिंपल मोड, कंफर्टेबल, टेक्नोलॉजी और ये स्पोर्ट्स, ये सारे मोड्स हैं इसमें। मीटर की सारी डिस्प्ले चेंज हो जाती है इसकी। देखो इतनी सारे फीचर्स के साथ ये गाड़ी को तैयार किया है, पूरी एम्बिएंट भी इसमें लगाई हुई है। इसके जो इसका जो स्टेरिंग का कॉस्ट क्या बताया आपने? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए का स्टेरिंग लगाया। 1,80,000 का स्टेरिंग है, इंपोर्ट वगैरह करा के स्टेरिंग 2.5 लाख के अप्रॉक्स, 2.5 लाख के अप्रॉक्स पड़ा है। और इसकी पूरी वायरिंग शायरिंग सारा कुछ इसका करना भी इजी नहीं होता, तो ये सारा कुछ करके यहाँ पे मॉडिफाई किया है। तो अंशु बत्रा ने यहाँ पे ये देखो, ये दिखाओ एक बार, अगर आप दिखा सकते हो तो, या अंशु बत्रा का जो है कस्टम, बत्रा कस्टम्स के नाम से, तो यहाँ पे आप भी कस्टमाइजेशन भी करा सकते हो। बाकी आपको पता है एक्सेसरीज, अगर बेसिक एक्सेसरीज चाहिए तो आप विकासपुर में भी आ सकते हो। तो अभी हम आए हैं अंशु बत्रा जी के ऑफिस में, ये दिखाना जरा एक बार, ये अंशु बत्रा जी का ऑफिस है। तो शुरुआत यहीं से ही करते हैं कि आपको भी बताया कि मेरी गाड़ी की मॉडिफिकेशन हो रही है और मैं अगर गाड़ी लेके यहां ना आऊं और अंशु भाई से सलाह ना लूं तो फिर मैंने क्या किया। तो आओ वहीं से शुरू करते हैं। तो आपने भाई मेरी गाड़ी देखी होगी, तो इस गाड़ी में मुझे क्या करना चाहिए, कहां से क्या करवाना चाहिए, या आपकी क्या बेस्ट सलाह है? भैया सबसे पहले तो आपने जो एक काम कराया ना, मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसी गाड़ी देखी नहीं, वन इन इंडिया आपने काम कराया जो इसकी रूफ कटवा दी है। अच्छा, आपको अच्छी लग रही है? सबसे पहले तो मैं इस गाड़ी को देख के मैं खुद ही शौक था कि बंदे ने अपनी 4-5 लाख रुपए की गाड़ी की छत कटवा दी। देखो भाई इसके लिए भी गलत चीज होते हैं कि भैया ने अपनी गाड़ी खराब करी है, वो भी सब ऑडियंस को दिखाने के लिए। लेकिन खराब क्या हुआ, गाड़ी जब रोड पर चलेगी ना तो उसकी रोड प्रेजेंस बहुत प्यारी आने वाली है। तो अभी आपकी क्या सलाह है कि इसको और क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, या कलर करना चाहिए, या आपकी क्या राय है? मॉडिफिकेशन में तो देखो भैया जितना पैसा लगा दो उतने कम है, चाहे इसमें रैप करा सकते हैं, अलॉय चेंज कर सकते हैं, बॉडी किट डाल सकते हैं, इसमें कस्टम वुड डाल सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है टेस्ट के ऊपर कैसी मॉडिफिकेशन होगी, लेकिन सब कुछ आज ही बता देंगे, मॉडिफिकेशन के बाद फिर ऑडियंस को क्रेज नहीं आएगा। पर फिर भी मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर कौन सा कलर ज्यादा बेटर रहेगा? इसमें तो देखो जिस हिसाब से आपने इसको टेस्ट से तैयार करी, इसको यूनिक कलर बढ़िया रहेगा, चटकी जैसा कलर जो रोड पे चलता हुआ रोड प्रेजेंस ज्यादा दे। अच्छा, और जैसे आपकी गाड़ियों पे मैंने देखा है कि गाड़ी पे नाम लिखा आता है अंशु बत्रा, तो इस पे क्या अगर हम अपना लोगो लगाए तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ओके, और इसमें बड़ा सा गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि गाड़ी से बंदे की पहचान हो जाए, कि रोड पे खड़ी होना तो बंदे को उसके नाम से भी गाड़ी से जाना जाए। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, जहाँ पे हम आए हैं ये बत्रा मोटर्स है, ये सेक्टर 17 में है। अभी मैं आपको बाहर का आउटलेट भी दिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज और, जो यहाँ पे लोग आते हैं जो इनसे गाड़ी खरीदते हैं, वो मतलब दिल्ली के तो है ही है, पूरा हिंदुस्तान से लोग इनके पास आके गाड़ियां लेते हैं। और इनके पास ऐसा नहीं है, बेसिक्स कार से लेके लग्जरी कार तक सारी गाड़ियां यहाँ पे ये मेंटेन करके रखते हैं और आपके लिए ऐसी तैयार करके देते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो उस बारे में आप कुछ अगर बता पाओ। भैया पहले हमने जब बत्रा मोटर स्टार्ट किया था तो कस्टमर्स आते थे कि कार सेल करनी, परचेज करनी है और सेल करनी है, तो कस्टमर की डिमांड ये आती थी कि मॉडिफाइड कार दिखाओ, क्योंकि हमारी गाड़ियां जब बाहर खड़ी रहती है कस्टमर भी लेने आते हैं तो उनकी डिमांड ये आती है कि हम भी गाड़ी दे रहे हैं तो हमारी भी मॉडिफाई होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने सामने एक आउटलेट खोला बत्रा कस्टम्स के नाम से, कि कस्टमर यहाँ से कार खरीदे और सामने ही उसकी कार जाए और मॉडिफिकेशन होकर उनके घर जाए। अच्छा, ये बत्रा मोटर शुरू कब हुआ था? ये शुरू तो भैया बहुत पहले हो गया था, 2015-16 में हो गया था, लेकिन वर्क फ्रॉम होम चलता था। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम चलता था, तो 15-16 से शुरू करके आज 2000 साइकिल स्कूटी, उसके बाद गाड़ी, अब गाड़ी से अब तो फिर बताने की जरूरत नहीं कि अंशु भाई की गाड़ियां कौन सी। अभी शायद मैंने अभी अपने पार्टनर को कॉल किया था तो वो बता रहा था कि आपने अपनी मदर को टारगेट कर लिया। तो देखो अभी वो मोमेंट है कि जहां साइकिल स्कूटी और बाइक पे थे, आज अपने लिए नहीं घर के अंदर मदर के लिए गाड़ी ले रहे हैं, तो वो लेवल आप अचीव देखो कि कितना लंबा लेवल अचीव किया है। अच्छा, एक बात और बताओ, यहाँ पे जैसे बत्रा मोटर्स है और कस्टम गैराज, दोनों का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो कैसे, कि मतलब यहाँ पे क्या होता है और वहाँ पे क्या होता है? सिर्फ यहाँ पे है कि कार सेल पर चेज है, सिर्फ गाड़ी आप खरीद सकते हो बेच सकते हो। आपको अगर आधी रात को भी गाड़ी बेचनी है बत्रा मोटर्स को कॉन्टेक्ट करो, नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। किसी को कार सेल करनी हो, परचेज करनी हो तो रात को कॉल मत करो, सुबह करो 10 बजे के बाद, तो गाड़ी आप खरीद भी सकते हो। और किसी भाई के पास पैसे ना भी हो, बजट ना हो, तो आप लोन करा सकते हो बत्रा मोटर्स, इसलिए जाना जाता है कि लोन पे भी गाड़ी मिल जाती है, यहाँ पे 0 डाउन पेमेंट पे भी गाड़ी मिल जाएगी, सिविल अच्छा होना चाहिए। अच्छा, और बत्रा कस्टम की बात, बत्रा कस्टम की बात की जाए तो बत्रा कस्टम देखो आपको पता ही है कि हमारा मॉडिफिकेशन से नाम था, हमने स्टार्ट किया था स्विफ्ट कार से आज लैम्बो पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी है जो हमने ऐसे ना चलाई हो, सारी चला रखी है, सारी मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पता है हमें। और जो कस्टमर आता है उनकी डिमांड ऐसी रहती है कि अंशु भाई गाड़ी ऐसी चाहिए कि रोड से निकले तो बढ़िया हो, तो गाड़ी की मॉडिफिकेशन के लिए वो खोला गया। तो A to Z सारी चीजें मिलती है कस्टमाइजेशन की, म्यूजिक सेटअप हो चाहे बॉडी किट्स हो, सब कुछ है।
तो भाई ने तो बहुत सारी गाड़ी मॉडिफाई करी है और स्टार्टिंग में हमने भी इनकी रैलियां एक दो अटेंड करी है, जिस ग्रीन स्विफ्ट हमारी पहले ट्रेवल करती थी, तो अब ये गाड़ी तैयार कर रहे हैं, साथ में दोबारा मुलाकात होगी अंशु बत्रा से। अच्छा ये चीज तो ये सिंपल हो गई। अब एक बात और, अभी तक अगर हम बात करें तो आपकी सबसे लग्जरी कार कौन सी आपने? ऑडी टीटी भाई ने अपने पास अभी भी है सेल आउट कर दी, तो उसका क्या प्राइस पे रफ बिकी होगी? प्राइसिंग ऐसे डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो भी जिस हमने जिनको बेची है। नहीं कितने की आती है? नहीं तो अप्रोक्स होगी 95 लाख की होगी। 95 लाख रुपीस की ऑडी टीटी भाई ने यहाँ पे मंगवाई है और उसको सेल आउट किया है बत्रा मोटर्स पे। तो ये तो हो गया। अच्छा आपको और बताओ कि जैसे आपको लोग सुनते हैं या लोग आपको देखते हैं या लोग आपको जानते हैं, तो आपका लोगों में क्रेज कब से बढ़ा? मतलब वायरल वीडियोस कब होने शुरू हुई? 2020 मतलब वो टाइम था जब लॉकडाउन का टाइम था। तो लॉकडाउन का टाइम था तब की बात है। ये मैंने आपको फिर बताया कि रोहिणी के अंदर है और बत्रा कस्टम है और जो बत्रा मोटर्स है दोनों आमने सामने है, दोनों लोकेशन आपको ढूंढने की जरूरत है। एक लोकेशन पे पहुंच गया तो दूसरी लोकेशन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। वो भी कर सकते हो बत्रा मोटर्स को। तो मेरा जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने जैसे बताया अपनी जर्नी कितनी टफ रही है, तो सबसे पहली गाड़ी कौन सी थी जिससे आपकी शुरुआत हुई, मतलब मॉडिफिकेशन की या सेल परचेज की, कौन सी गाड़ी थी? भैया सबसे पहले तो मैंने सेंट्रो वगैरह ऑल्टो वगैरह से स्टार्ट किया था, उसके बाद वो जैसे कि अपना सेल परचेज का काम है तो बेचने के लिए आती थी, थोड़ा टाइम चला भी लेता था मैं उसको, सेल आउट भी कर देता। फिर उसके बाद मैंने खुद एक सूट परचेज करी थी ब्रांड न्यू शोरूम से 2022 में, उसके बाद उसी को मॉडिफिकेशन कराई और मतलब उस पर मैंने 12-13 लाख रुपए पर लगा रखे हैं, तो उसी से फेमस हुआ था। तो ये तो गाड़ी ऐसी न्यूज 18 हिंदुस्तान टाइम्स सब पे फेमस है, 50 मिलियन व्यूज आ रखे थे उसपे, तो उसी से जर्नी स्टार्ट हुई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अंशु बत्रा ने शुरुआत की थी स्विफ्ट से, स्विफ्ट की मॉडिफिकेशन से, पर वहां रुके नहीं। अगर डीसी वंती की बात करें तो वो लेके आए, फिर उसके बाद वहां तक रुके नहीं, इन्होंने इससे पहले जो ये अभी 15 अगस्त किया है, इससे लास्ट ईयर वाला जो 15 अगस्त था वहां पे रैली के अंदर, अंशु बत्रा की रैली आप किसी से भी पूछ लेना, हर कोई जानता है अंशु बत्रा की रैली यहां से सोनीपत पानीपत तक गई थी, वहां पे रस्ते में एक बाय चांस अचानक ही एक्सीडेंट हो गया था, और वो एक्सीडेंट भी मतलब छोटा मोटा नहीं था, एक्सीडेंट थोड़ा सा भारी था, तो टायर पूरा ब्लास्ट हो गया था, साथ में वो फुटपाथ पे चढ़ गई थी गाड़ी। अगर हमारे को कहीं से क्लिप मिलेगी तो मैं जरूर इसमें डालूंगा। साथ ही साथ आपको ये बताऊं कि वो एक्सीडेंट मतलब पूरा ट्रेंड किया था इंस्टाग्राम के अंदर, तो वो भी मैं इसके अंदर शो करूंगा। तो अभी अंशु भाई से लेते हैं इजाजत, आपको दी थी काफी सारी बढ़िया इन्फॉर्मेशन। अगर आपको रोहिणी आना है अंशु भाई के पास तो आपको एड्रेस बता दिया है, नीचे नंबर अंशु भाई का दे रहा हूँ, साथ में अगर आपको कोई एसेसरीज मिलानी हो तो विकासपुरी आपको पीवीआर पे आना, वो भी आपको पता है। एक बात और, अभी तो मैंने अंशु भाई से पूरी जानकारी ली है, और दिल्ली वालों अगर अपने ही गाड़ी को करना है मॉडिफाई तो या तो अंशु भाई को कॉल करो या तो हमें कॉल करो, और कोई भी जानकारी चाहिए तो जल्दी पूछो। अच्छा एक बात, अब मैं ये एंड करते करते एक बात और भी बोल रहा हूँ, जब मैं अपनी गाड़ी मॉडिफाई कर लूंगा अंशु भाई के पास फिर आऊंगा, फिर दिखाऊंगा कि यार गाड़ी कैसी लग रही है, अंशु भाई का फिर एक्सपीरियंस लेंगे। तो अभी लेते हैं जब, ठीक है अंशु भाई, नाइस टू मीट यू, नाइस कैचिंग अप वापसी।